अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़र एहतमाम मुनक़िदा जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर मुनक़िदा इस अज़ीमुश्शान नातिया मुशायरे में तमाम मेहमान शुरा इकराम, मेज़बान शुरा इकराम और तमाम आशिकान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहे दिल से इस्तकबाल किया जाता है। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगी न रंग तेरे मुहित में हबाब, आलम आब खाक में तेरे जहूर से फरोग, जर्रे रेग को दिया तूने तुलुए आफ्ताब, हर इब्तिदा से पहले हर एक इंतहा के बाद, जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़रिए एहतमाम जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर उर्दू के शहर हैदराबाद में दारुस्सलाम के वसीओ अरीज स्टेज पर हमेशा की तरह अज़ीमुश्शान कुल हिंद नातिया मुशायरे का इनेकाद किया गया है। दारुस्सलाम के मुशायरे का ये स्टेज हिंदुस्तान के बड़े स्टेजेस के साथ सर फहरिस्त माना जाता है। गुज़िश्ता निसफ सदी से यहाँ मदह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला रवां दवां है। दबिस्ताने दिल्ली और दबिस्ताने लखनऊ की अजमतें सर आंखों पर, लेकिन खुदा लगती बात यह है कि हैदराबाद दकन कल भी उर्दू का दारुल खिलाफा था और आज भी उर्दू का दारुल खिलाफा है। उर्दू जरिए तालीम की पहली यूनिवर्सिटी जामिया उस्मानिया हैदराबाद में है और दुनिया की पहली उर्दू यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है। कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता है। यहाँ उर्दू के आलमी शोहरत याफ्ता शोराए किराम तशरीफ़ फरमा है, मेहमान शोराए किराम, मेज़बान शोराए किराम, मैं सभी का खैर मकदम करता हूँ और आप तमाम आशिकान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। कायदे बेबदल नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की खिदमत में हदीये तबरीक पेश करता हूँ कि उन्होंने सालार मिल्लत के जलाए हुए इस चराग को न सिर्फ रोशन रखा है बल्कि उसकी रोशनी में, उसकी आबोताब में बदर जहाँ इजाफा किया है। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रखते सफर मेरे कारवां के लिए, यही है रखते सफर मेरे कारवां के लिए। सच पूछिए तो दारुस्सलाम न सिर्फ हमारा सियासी मरकज है बल्कि इस बावकार मुशायरे के हवाले से ये हमारा अदबी मरकज भी है। यहाँ से उर्दू का कसीरुल इशाअत रोजनामा एतमाद शाया होता है, इस एतबार से ये हमारा सहाफती मरकज भी है, ये तहजीबी और सकाफती मरकज भी है,
यहाँ की फजा में बुलबुलों ताऊस और शाहीन मिलकर परवास करते हैं। बिला लिहाजे मजहब व मिल्लत हैदराबाद की रिवायती गंगा जमनी तहजीब के नज़ारे यहाँ देखने को मिलते हैं। तो मालूम यह हुआ कि एक कसीरुल जिहाद क़यादत का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। काबिल मुबारकबाद है नकीब मिल्लत हबीब मिल्लत और उनके छोटे भाई मोहतरम बुरहानुद्दीन ओवैसी साहब मुदीर आला रोजनामा एतमाद और मजलिस के तमाम कायदीन बिलखसूस जनाब जाफर हुसैन मिराज साहब सदर इस्तकबालिया और सैयद अहमद पाशा कादरी साहब मोतमद इस्तकबालिया दीगर तमाम कायदीन और दारुसलाम के तमाम रुफका काबिल मुबारकबाद हैं जो निहायत अकीदत व एहतराम के साथ जश्न मीलादुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद करते हैं एहतमाम करते हैं। अब बिल्कुल भी वक्त ज़ाया किए बगैर मुशायरे की फ़जा में चलते हैं और अपनी समातों को मिदहत मुस्तफ़ा के नूर से रोशन करते हैं। सबसे पहले मैं जनाब कारी मलिक इस्माइल ख़ान साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि तिलावत कलाम पाक की रोशनी से इस महफिल को मुनव्वर फरमाएं। जनाब मलिक इस्माइल ख़ान साहब السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yeah.
فهبني من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا
وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جزاك الله. سبحان الله. گلے میں اس کے خدا کی عجیب برکت ہے. وہ بولتا ہے تو ایک روشنی سی ہوتی ہے. تلاوت قرآن پاک کے بعد بارگاہ رب ذوالجلال میں حمدیہ اشعار پیش کرنے کے لیے میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو قاضی بھی ہیں, خطیب بھی ہیں, شاعر بھی ہیں. درگاہ حضرت برانہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی انتظامی کمیٹی کے صدر نشین اور بہترین نعت گو شاعر جناب قاضی اسد سنائی صاحب سے میں ملتمس ہوں. قاضی اسد سنائی صاحب تشریف لائیں اور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے, تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے, تیرے ہی نام پر ہر انتہا ہے. تیری مدح و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. جناب قاضی اسد سنائی صاحب.